आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के समोपर आईमा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख वरिष्ठ नेता इसरार अहमद द्वारा समाजवादी पार्टी की एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं सभा के वरिष्ठ नेता इसरार अहमद ने कहा कि धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह जोश उमंग लोगों में दिखाई दे रहा है, या किसी और दल का अता पता नहीं चलेगा। हमने सोचा कि अपने ब्लॉक स्तर से सभी गांवों से लोगों को एकत्रित किया जाए, और जिसमें मैं लगभग कामयाब रहा। मुख्य अतिथि लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस बार संविधान बचाने के लिए वोट करना है और अपना देश बचाना है। ये कहा कि ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। कहा कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा और धन्नासेठों का कर्ज माफ़ नहीं किया जाएगा। जान दे देंगे लेकिन देश का संविधान कभी खत्म नहीं होने देंगे। नहीं, बहुत शानदार प्रचार चल रहा है, व्यापक लोगों का सहयोग समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, और आजमगढ़ के लोग ऐतिहासिक जीत भी दिलाएंगे, और आजमगढ़ ही नहीं पूरे यूपी और देश में अब बीजेपी और उनका गठबंधन जा रहा है, इंडिया गठबंधन आ रहा है। सर, आजमगढ़ की जनता को किस तरह भरोसा दिलाएंगे चुनाव जीतने का? आजमगढ़ रहेंगे 100% रहेंगे, और समय आने दीजिए, आप ही इस बात को कहोगे कि नहीं आपने कुछ कहा। जिस तरह से प्राइवेट चीजें हुआ देखिए, प्राइवेट बी टीम बनने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। टिकट वितरण में बहुत सारी चीजें आपने महसूस की होंगी स्वयं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आकलन गलत नहीं है, वो सच है। आधा देश से महिला आएगी पूजा पाठ कर सकती है, लेकिन अखिलेश यादव इसी देश के आने वाले पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, और उनको मंदिर में जाने से मंदिर धुला जा रहा है। ये चीजों को देश के पिछले लोग नहीं, बहुत शानदार प्रचार चल रहा है।